Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Padiye with lecture number 63 from Modern Indian History series, and in this lecture we will discuss development of press. We generate fears while we sit. We overcome them by action. Beautiful thought. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, इसमें से बहुत बार यूपीएससी मेंस में, इवन प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो मेंस के, GS1 के, तो आपको ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस से काफी बार क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से स्टडी करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उतनी सफिशियंट है आपको आपके एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया वो किस तरह का था। सो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन ये रहा इस टॉपिक से, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस से। डिस्कस द मेजर रेगुलेशंस एनएक्टेड बाय द ब्रिटिश रूलर्स टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। You have to answer this question in not more than 250 words. और इस लेक्चर के एंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। So, जो मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, देखते हैं इस बार उसे किसने कंप्लीट किया है। तो इस बार उस मेक एमसीक्यू चैलेंज को कंप्लीट करने वालों के नाम है पूजा भरद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी, विनीता बिस्वास जी, प्रियंका सहाय जी और अंकित कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए, जो एमसीक्यूज हम इस लेक्चर के एंड में स्टडी करने वाले हैं और उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल में ये जो प्रेस है इसका डेवलपमेंट हुआ। तो सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है जो हमें याद रखना है वो ये है। देखिए ये फैक्ट्स है जो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करने वाले। तो जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय पोर्तुगीज इन द ईयर 1556। अच्छे से याद रखेगा, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1780 बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी। ओके, सो नेम्ड कैलकटा जनरल एडवर्टाइज और द बंगाल गैजेट। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया वो था द कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर या फिर द बंगाल गैजेट, ये दोनों नाम से वो पहचाना जाता था। और ये 1780 की बात है, और तब किसके द्वारा आया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी। अच्छे से याद रखिएगा, इसी को, जो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। उसके साथ साथ जो बंगाल गैजेट है उसको कभी कभी हिकीज गैजेट भी कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, बंगाल गैजेट को हिकीज गैजेट भी कहा जाता है। ये जो न्यूज़पेपर था इट वॉज लेटर सीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1782। बाद में इसको बंद कर दिया गया था ये न्यूज़पेपर को बाय गवर्नमेंट इन 1782। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये पूरे फैक्ट्स है जो आपको ये प्रेस से रिलेटेड है। और भी हम फैक्ट्स पढ़ने वाले, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला और आपको काफी मजा आने वाली है ये पढ़ते वक्त। तो सबसे पहले हम प्रेस का जो भी है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, तो प्रेस आप जानते हो क्या होता है। प्रेस में न्यूज़पेपर आता है, हर मीडिया वाली चीजें आती है उसमें, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, आज के डेट में रेडियो, जितनी भी चीजें प्रेस से रिलेटेड है वो पूरी इसमें आ सकती है। वो सब आपको पता है क्या है। सो यहां पे हम अभी जो फर्स्ट एक्ट पढ़ने वाले ब्रिटिश के वक्त का, वो है द सेंसरशिप एक्ट ऑफ ईयर 1799। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो अच्छे से याद रखेंगे अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से, ये टॉपिक में फैक्ट्स ज्यादा होने के कारण आपको इसे याद रखना बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करते चलिएगा। सो सेंसरशिप एक्ट जो था, सेंसरशिप एक्ट 1799 में जो आया था उसमें क्या था हम अभी देख लेते हैं। अब जैसे कि ये एक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको सीक्वेंस बता चुका हूँ कि सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस आपको अभी पता ही है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में काफ़ी एक कॉम्पिटिशन चली थी। सो ये सब चीज़ें जो थी, यानी पोर्तुगीज और डच का तो उतना रोल नहीं रहा जितना इंग्लिश और फ्रेंच का रहा। इनके बीच में कार्नेटिक वॉर्स भी हुए थे, ये सब हमने पढ़ा था। तो कार्नेटिक वॉर के बाद भी जब फ्रेंच को हरा दिया गया था थर्ड कार्नेटिक वॉर में, तभी फ्रेंच को यहाँ पे एज अ
ट्रेडर्स यहाँ पे रखा गया था इंडिया में, तो हम ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी जानते ही है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त ये द सेंसरशिप एक्ट जो है 1799 का ये आया था, ताकि जो फ्रेंच है तो फ्रेंच लोग कुछ रूमर्स अफवाह ना फैलाए ब्रिटिश के खिलाफ, जिसके कारण ब्रिटिश को हार्म हो। ये चीजों के चलते ये सेंसरशिप एक्ट लाया गया था 1799 में। मैं आपको ये भी बता दूं, जो फ्रेंच थे वो मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, प्रेस का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चीजें लोगों तक पहुंचा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सो ये सब चीजों के चलते ब्रिटिश को लग रहा था कि उन्हें इससे तकलीफ पहुंचेगी, तो ये चीजों को कुछ ना कुछ करके रोकना होगा, इसीलिए यहां पे सेंसरशिप एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1799 में। अब ये एक्ट के चलते अकॉर्डिंग टू दिस जितने भी न्यूज़पेपर है, एवरी न्यूज़पेपर शुड कंटेन द नेम्स ऑफ, अच्छे से याद रखिएगा, तो हर न्यूज़पेपर में नाम लिखना पड़ेगा किस किस का, तो प्रिंटर का, एडिटर का और प्रोप्राइटर का, ये तीनों के यहां पे नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था ये एक्ट पास होने के बाद, जिसके कारण पता चलेगा कि हर न्यूज़पेपर में किस कहां से प्रिंट हो गया है, कौन इसका एडिटर है, कौन प्रोप्राइटर है, जिसके कारण ब्रिटिश को ये चीजें पहचान पाना, ये चीजें पता करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है। सो ये सब चीजों के लिए यहाँ पे सेंसरशिप एक्ट 1799 में लाया गया। बिफोर प्रिंटिंग एनीथिंग, ये भी याद रखिएगा, इट शुड बी सबमिटेड टू सेक्रेटरी ऑफ सेंसरशिप। ओके, सो कोई भी चीज प्रिंट करने के पहले जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेंसरशिप के सेक्रेटरी है ना, तो सेंसरशिप यानी एक तरह से कोई भी चीज जो गवर्नमेंट को या किसी भी देश को अगर हार्म करती है तो उन्हें रोकना, उनके ऊपर उनको प्रोहिबिट करना, इसको सेंसरशिप कहा जाता है। तो यही चीजें इस तरह से रोकी जा रही थी, तो इसके लिए एक सेंसरशिप के सेक्रेटरी भी रखे थे, उनके पास आपको भेजना पड़ेगा। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि ये जो आप प्रिंट कर रहे हैं या जो पब्लिश कर रहे हैं वो ठीक है, तो वो आपको परमिशन देंगे और आप वहां पे प्रिंट कर सकते हो और आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये सब चीजें यहां पे हो रही थी ब्रिटिश के टाइम पे, जिसको सेंसरशिप एक्ट 1799 कहा जाता है। आई होप आपको पता चल चुका है सेंसरशिप एक्ट 1799 क्या है। उसके बाद जो अगला एक्ट या अगला जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन एंड रूल्स जो बनते हैं वही, सो वो जो आया था वो था लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। याद रखिएगा, लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 अब हम स्टडी करने वाले हैं। इट वाज एनएक्टेड बाय जॉन एडम्स, अच्छे से याद रखिएगा, इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम जॉन एडम्स था। ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस की जरूरत होगी अगर आपको कोई भी प्रेस के लिए काम करना है या फिर आपको कुछ चीज पब्लिश करना है तो लाइसेंस की जरूरत होगी। तो यही है, जितने भी पब्लिशर है, एवरी पब्लिशर वाज रिक्वायर्ड टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। तो आपको जब भी कोई पब्लिशर बनना है, किसी भी चीज का पब्लिशर, चाहे वो बुक का, चाहे आपका मीडिया प्रेस यानी आप न्यूज़पेपर के हो, जर्नल के हो, किसी भी चीज के अगर आप पब्लिश करना चाहते हो कुछ, तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट भी ये सोच समझ के किसी को लाइसेंस देगी, उनसे कुछ चीजें एक्सेप्ट करा लेगी कि भाई साहब आप ऐसा ऐसा नहीं करोगे तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा, तो ये सब गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरह से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट से, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर जो भी चीजें उस लाइसेंस में लिखी है अगर वो आप फॉलो नहीं करते हो, तो जो भी कंडीशन पे आपको लाइसेंस दिया गया अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो, तो आपको पेनल्टी रहेगी ₹400 की। और अगर कुछ बड़ी बात हो, जिसको आपने, अगर आप डिफॉल्टर हो गए, जिस चीज को आपने कहीं ना कहीं वॉयलेट किया है, सो जो प्रेस है वो आपका प्रेस वुड बी सीज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो जो प्रेस है वो गवर्नमेंट उसको सीज भी कर सकती है, उसको गवर्नमेंट उस पर प्रोहिबिट भी कर सकती है, उस पर बंधने भी डाल सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। तो ये सब चीजें थी, गवर्नमेंट के पास ये भी राइट था कि वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती थी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो इंसान है जो लाइसेंस कैरी करते हुए घूम रहा है, ये इंसान कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा पब्लिश की जा रही है चीजें, तो गवर्नमेंट उसके लाइसेंस कैंसिल भी कर देती थी। सो ये सब चीजें चलती थी, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि द रेस्ट्रिक्शन वर डायरेक्टेड मेनली टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, है ना। सो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर यानी कैसा होता था कि हमारे जो भी नेशनलिस्ट थे या फिर हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स आप कहेंगे, वो लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर में चीजें पब्लिश करना शुरू कर दिया था, जो गवर्नमेंट की गलतियां है या गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर जो भी अन्याय कर रही है वो सब चीजों को। सो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करते थे ताकि एक कॉमन मैन भी उसको समझ पाए जो इंग्लिश का नॉलेज नहीं रखता है। ये सब चीजें यहां चल रही थी। तो यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये भी है कि मीरत उल अखबार करके एक जो अखबार था, एक जो न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया था बाय राजा राम मोहन रॉय, उनका भी पब्लिकेशन स्टॉप कर दिया गया था बाय दिस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती थी। सो गवर्नमेंट किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर सकती थी, कोई भी चीज पब्लिश होने से रोक सकती थी, तो गवर्नमेंट खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट।
सो इस तरह से ये एक्ट रहा जिसको कहा जाता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। उसके बाद जो हमें अगला एक्ट पढ़ना है उसे कहा जाता है प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाल्फ एक्ट भी कहा जाता है इसको। ओके, सो मेटकाल्फ जो है ये चार्ल्स मेटकाल्फ इनके नाम पे दिया हुआ है क्योंकि इन्हीं के वक्त ये एक्ट आता है मेटकाल्फ के वक्त, तो इसी को मेटकाल्फ एक्ट भी कहा जाता है या प्रेस एक्ट ऑफ 1835 भी कहा जाता है। जो चार्ल्स मेटकाल्फ थे जिन्हें लॉर्ड मेटकाल्फ भी कहा जाता है, ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाते इनको कहे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे जो यहाँ पे डाले गए थे ना वो पूरे यहाँ पे खत्म कर दिए थे इन्होंने। सो ये सब चीज़ें भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मेटकाल्फ एक्ट था, यहाँ पे चार्ल्स मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, तो 1823 में जो रूल्स बनाए गए थे, ये जो पूरे रूल्स बनाए गए थे ना, ये पूरे रूल्स को उन्होंने रिपील कर दिया था। रिपील यानी ये सब रूल्स को उन्होंने खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था बाय जो जॉन एडम्स ने बनाए थे। तो इनको चार्ल्स मेटकाल्फ जो है ये कहीं गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, उनके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 1835 में आए थे, 1836 थोड़े टाइम के लिए रहे, बट उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी कर दी कि उन्होंने ये जो चीजें थी इसको रिपील कर दिया जो चार्ल्स जॉन एडम्स ने बनाई थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो था, ये जो इन्होंने जो एक्ट लाया था प्रेस एक्ट, जिसके थ्रू ये सब यानी एक तरह से छूट दे दी थी लोगों को, और यहाँ पे ये सब जो था ये 1856 तक चला, ये इन्होंने जो एक्ट बनाया था, इसी कारणवश इंडिया में न्यूज़पेपर आ पाए, नहीं तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आना तो मुश्किल ही हो गया था। क्योंकि आप देख रहे कि मीरतुल अकबर कर अखबार करके जो न्यूज़पेपर है राजा राम मोहन रॉय का, वो न्यूज़पेपर को भी यहाँ पे उसका भी पब्लिकेशन यहाँ रोक दिया गया था, बट यहाँ पे जब उन्होंने ये एक्ट लाया था चार्ल्स मेटकाल्फ ने, उसके बाद हमारे यहाँ पे काफ़ी न्यूज़पेपर्स के डेवलपमेंट हुए और 1856 तक ये डेवलपमेंट चलते रहे बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। अब आप देखोगे तो काफ़ी फ्रीली यहाँ पे न्यूज़पेपर्स का ग्रोथ यहाँ पे चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था जब ये 1835 आया था, बट यहाँ पे 1857 में अचानक से एक लाइसेंसिंग एक्ट लाना पड़ा था गवर्नमेंट को। उसका सबसे मेन रीज़न था रिवोल्ट। एक 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस तो था ही पहले से, तभी ये रिवोल्ट हो पाया, और कहीं ना कहीं प्रेस का तो बहुत बड़ा रोल इसी में रहा ही है, अवेयरनेस लाने में मीडिया का या प्रेस का रोल तो रहता ही है। सो यहाँ पे देखेंगे तो एक इमरजेंसी आ गई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग इंस्ट्रक्शन लाया था जिसको कहा जो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 था उस पे। ओके, तो इसमें एक लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया था, ये जो 1835 था इसी के चलते यहाँ पे एक लाइसेंसिंग एक एक्ट लाया गया था। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट थी उनके पास ये राइट आ चुका था इस एक्ट से कि वो कोई भी पब्लिकेशन रोक सकती थी, या फिर किसी भी बुक का सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन, या कोई भी प्रिंटेड मैटर जो है उन सब का सर्कुलेशन गवर्नमेंट रोक सकती थी बाय दिस लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी बुक के चलते या न्यूज़पेपर के चलते या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल के चलते लोगों तक चीज़ें पहुँच जाती थी और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 में ऐसी कोई चीज़ आगे भी हो, इसलिए गवर्नमेंट को ये ठीक लगा कि अभी के अभी जो भी यहाँ पे लाइसेंस का जो रूल था वो फिर से अप्लाई करके लोगों को ऐसे अगर चीज कुछ आपके ध्यान में आती है गवर्नमेंट की कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है तो उसे गवर्नमेंट तभी के तभी रोक दे उसके पब्लिकेशन के। इसी के चलते यहाँ पे लाइसेंसिंग एक्ट 1857 का लाया गया था। तो अभी आपको याद रखना है कि 1835 का मेटकाल्फ जो एक्ट था उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में आया जल्द ही जल्द। सो ये जो 1857 का एक्ट है इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, अच्छे से याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये जो लाइसेंसिंग एक्ट था ना 1857 का, इसमें इन्होंने एक ही चेंज किया, इसके चलते उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि ये जो प्रेस एक्ट था 1835 में जो आया था मेटकाल्फ एक्ट, इसमें उन्होंने सिर्फ ये चेंज किया था कि लाइसेंस वाली जो प्रोसीजर है ये यहाँ पे लाके रख दी थी इस एक्ट के अंडर। यहाँ पे नया कोई एक्ट नहीं लाया गया था प्रेस के लिए, बट यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया था 1867 में। इसके चलते यानी मैं ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का जो है, इसके चलते जो प्रेस एक्ट 1835 का था या फिर जिसको मेटकाल्फ एक्ट कहा जाता है 1835 का, उसको इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट वॉज रेगुलेटरी इन नेचर, यानी इसमें पूरे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे थे कि किस तरह से प्रेस काम करेगा। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि क्या रेगुलेशंस थे, तो एवरी न्यूज़पेपर और बुक शुड हैव द नेम ऑफ द पब्लिशर, है ना, किसी भी बुक पे या किसी भी न्यूज़पेपर पे उस पब्लिशर का नाम होना जरूरी था। उसके साथ साथ कहाँ पब्लिश हुआ ये भी
लिखना उस पर जरूरी हो गया था, और जिसने प्रिंट किया है जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में या जिसने भी उसको प्रिंट किया है उस प्रिंटिंग प्रेस का या उस प्रिंटर का नाम भी लिखना उस पर जरूरी होगा, ताकि गवर्नमेंट जल्दी ही जिसने भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्रिंट किया है या कुछ पब्लिश किया है उसे जल्द से जल्द ढूंढ के उस पर एक्शन ले पाए। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें यहाँ पे शुरू कर दी थी ताकि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। और यहाँ पे ये भी बता दो कि कॉपी ऑफ अ पब्लिश्ड मटेरियल है ना, तो एक कॉपी जो भी पब्लिश आप करने वाले उसकी एक कॉपी जो है वो आपको लोकल गवर्नमेंट के पास भी सबमिट करना पड़ेगा विद इन अ मंथ। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक यहाँ पे पब्लिश कर दी है तो उस बुक की एक कॉपी मुझे लोकल गवर्नमेंट मेरे एरिया की जो भी गवर्नमेंट होगी उसके पास मुझे सबमिट करना पड़ेगा, और वो पब्लिकेशन के एक महीने के भीतर मुझे ये काम करना पड़ेगा, ताकि अगर उनको ठीक नहीं लगता है गवर्नमेंट को जो मैंने पब्लिश किया वो, तो गवर्नमेंट उसको तुरंत ही रोक दे, एक एक्शन लेके उसको रोक दे। तो ऐसा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में लिखा गया था। तो ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जो चीज़ें ज़रूरी है उतनी ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो आप सिंपल तरीके से इसे पढ़े समझे और अपने नोट्स में सिंपल तरीके से ही हर चीज़ को लिखे, यही मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ वो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ये एक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वर्नैकुलर का मीनिंग क्या होता है। वर्नैकुलर का मीनिंग होता है लोकल लैंग्वेज, है ना, तो आपके एरिया की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी हमारे देश की या हमारे जो भी रीजन है उसकी, तो उसको वर्नैकुलर कहा जाता है। सो ये लोकल लैंग्वेज के लिए होगा कुछ ना कुछ एक्ट, तो इसको नाम से ही पता चल रहा है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। सो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट या फिर लोकल लैंग्वेज प्रेस, ये आप इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो यूज टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वर्नैकुलर एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्नैकुलर प्रेस था यानी जो भी प्रेस थी जो भी मीडिया था हमारा लोकल लैंग्वेज वाला, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करने का ही काम करता था हमेशा। तो आपको तो ये पता ही है, ये बेसिक सी चीज़ है कि ब्रिटिश हम पे जितना भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम लोगों को हम पे जितने भी अत्याचार कर रहे थे, वो सब चीज़ें लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था और लोकल लैंग्वेज में ये लोगों तक ईजिली पहुँच सकती थी, इसीलिए ये वर्नैकुलर प्रेस का तो यही काम था कि लोगों तक पहुँचाना। सो क्रिटिसाइज करते रहना ब्रिटिश रूल को। ये चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि जब गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता चलती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आती है जिसके थ्रू वो वर्नैकुलर प्रेस को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक प्लान बनाती है, एक कोशिश करती है 1878 में। सो ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, गैगिंग एक्ट, याद रखिएगा अच्छे से। गैगिंग यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को रोक देना या चोक कर देना किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे वर्नैकुलर प्रेस को रोक रहे थे, इसलिए इसको यहाँ पे गैगिंग एक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बता दूं कि लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने, उनके वक्त ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो लॉर्ड लिटन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, और ये एक्ट क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैजिस्ट्रेट एक रखे गए, जो मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे ब्रिटिश रूल में, वो मैजिस्ट्रेट के पास पावर दे दी गई थी कि टू आस्क एनी पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर टू गिव एश्योरेंस ऑफ नॉट पब्लिशिंग एनीथिंग थ्रेटनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, है ना। तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर दे दी गई थी कि वो जो पब्लिशर है न्यूज़पेपर की, उनको ये बोले कि भाई साहब आप हमें एक एश्योरेंस दीजिए कि आप लोग ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे आपके न्यूज़पेपर में जो कि पीस को खराब करेगा, वायलेंस को लाएगा, या पीस हमारे जो देश का है उसको खराब करेगा और देश के सिक्योरिटी को हानि पहुंचा सकता है। यानी ये कैसे, तो ब्रिटिश को आप अगर ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई वायलेंट मूवमेंट चलाते हैं या फिर कुछ वायलेंस करने की सोचते हैं या ब्रिटिश के खिलाफ कुछ इवन एक्शन भी लेने की सोचते हैं, तो आपको यहाँ पे मैजिस्ट्रेट रोक सकते थे, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर था। मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी डिसीजन सुनाते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं कि आपने ऐसी कुछ चीज़ें पब्लिश की जिसके कारण देश का जो शांति है वो खराब हो रही है, देश का पीस खराब हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर था कि मैजिस्ट्रेट अपना निर्णय सुना सकते थे, अपना डिसीजन सुना सकते थे, उस इंसान को सजा दे सकते थे, और जो मैजिस्ट्रेट ने डिसीजन दिया है वो फाइनल रहेगा ऐसे डिस्प्यूट में, आपको फिर कोई भी बचा नहीं सकता है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 के थ्रू लाई गई थी। ये जो लॉ था इट वाज नॉट अप्लीकेबल टू इंग्लिश प्रेस, है ना, तो ये सिर्फ हम लोगों के वर्नैकुलर प्रेस के लिए अप्लीकेबल था, इंग्लिश प्रेस के लिए ये अप्लीकेबल नहीं था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्ट ने गवर्नमेंट को ये भी पावर दे दी थी कि गवर्नमेंट कोई भी सर्च वारंट इशू कर सकता था और किसी भी न्यूज़पेपर प्रीमाइसेस में वो जा सकते थे विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर हो या ना हो, डायरेक्टली
डायरेक्टली तलाशी ली जा सकती थी किसी भी न्यूज़पेपर प्रीमाइसेस के, जिसके चलते हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोहिबिट किया जा रहा था, हम लोगों को रोका जा रहा था कि हम गवर्नमेंट हमारे साथ जो भी बुरा कर रही है हम उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो इस तरह का ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में या बाकी सभी एग्जाम्स में, प्री हो या मेंस हो। तो अच्छे से याद रखेगा ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, मोस्ट आईएमपी यहां पे लिख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, ये मैं कहूंगा आपको। सो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आपको अभी पता चल चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोर स्ट्रिंजेंट लॉज वर एनेक्टेड व्हेन द फ्रीडम मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम, जब फ्रीडम मूवमेंट बहुत जोर से चलने लगी, जैसे जैसे हमारे फ्रीडम मूवमेंट, हम पूरा देख चुके हमारे पिछले पूरे लेक्चर्स में कि फ्रीडम मूवमेंट किस तरह हमने चलाई। सो बहुत ही खतरनाक लॉज लेके और आती रही गवर्नमेंट, ताकि हमारे जितनी भी चीजें हैं, यानी मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट लॉज, और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट लेके आने लगी जब मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट चलने लगी। सो यहाँ पे ऐसा भी चल रहा था कि जितनी भी रिपोर्टिंग चल रही थी, जो भी रिपोर्टिंग चल रही थी हमारे प्रेस द्वारा, वो पूरा क्लोजली मॉनिटर कर रही थी गवर्नमेंट, हर एक पे नजर लगा के थी, और कोई भी जो कमेंट आएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ उसको गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करती थी, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती थी। जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कमेंट करे, तो हर एक रिपोर्टिंग को अच्छे से मॉनिटर करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो रहे थे मीडिया के चलते या फिर प्रेस के चलते, तो गवर्नमेंट को यह करना पड़ा था, ब्रिटिश को यह करना पड़ा था। तो अंडर दिस, इस तरह के जो लॉज आए थे अंडर दिस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड। तो सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे उनको तो यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर कुछ चीज़ें पब्लिश की थी जिसमें अगर आप ये देखेंगे कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जज ऑफ कैलकटा हाई कोर्ट को 1883 में, उन्होंने जो जज ने जो फैसला सुनाया था उस फैसले को क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने फैसला ठीक नहीं सुनाया है कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने, जो कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके खिलाफ है। तो ये चीज़ के चलते इनको जेल में भी डाल दिया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मोस्टली associated with the nationalist fight for freedom of the press, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक को भी यहाँ पे जेल हो गई थी, उनको भी इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का हुआ था, फ्रीडम ऑफ प्रेस के चलते जब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाले गए तो बाल गंगाधर तिलक पे भी एक्शन ली गई। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ही वॉज रिलेटेड टू बिल्डिंग अप नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, अपने न्यूज़पेपर में चीज़ें पब्लिश करते थे और काफ़ी सारे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है उसके थ्रू, और उनके जो न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा, उसके थ्रू यहां पे उन पे एक्शन ली गई थी बाल गंगाधर तिलक के। ये जो लॉज बने हैं इन्हीं के चलते, तो आप देख रहे हैं कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो या बाल गंगाधर तिलक हो, हर एक नेशनलिस्ट लीडर के खिलाफ यहां पे एक्शन लेना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने, मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी चीज़ें उन्होंने प्रिंट की थी बाल गंगाधर तिलक ने, चाहे वो नेशनलिस्ट जो हमारे काम कर रहे थे उनके सपोर्ट में हो, या फिर जो भी लोग ब्रिटिश को मार रहे हैं उनके सपोर्ट में हो, हमारे जो क्रांतिकारी उनके सपोर्ट में हो, ये सब चीज़ों के चलते जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको 18 महीने के एक बार इम्प्रिजनमेंट भी हुआ था, बट फिर भी तिलक रुके नहीं। तो इस तरह से हमारे जितने भी लोग अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो जितने लॉज आप देख रहे हैं इनके चलते इन सबको यहाँ पर रोका जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर मैं आपको देखू तो ये जो गैगिंग एक्ट था, जो गैगिंग लॉ थे, इट वाज रिपील्ड इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। रिपन जब आए तो उन्होंने गैगिंग लॉ को रिपील कर दिया, उन्होंने गैगिंग लॉ को रोक दिया 1881 में, पर तब तक हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार होते रहे। सो ये सब चीजें यहां चलती रही। आगे हम जो देखने वाले हैं वो है न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। न्यूज़पेपर एक्ट जो था, एक नया एक्ट आता है 1908 में, और ये जो एक्ट था इसके चलते मैं आपको ये बता दूं कि जो मैजिस्ट्रेट थे, देखिए यहाँ पे क्या पावर मिल रही है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट वर एम्पावर्ड टू कॉन्फिस्केट प्रिंटिंग प्रेस और प्रॉपर्टी कनेक्टेड टू द न्यूज़पेपर। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर आ गई थी टू कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट यानी सीज कर लेना, छीन लेना, कब्जे में ले लेना अपने। ये मैजिस्ट्रेट के पास पावर दे दी कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को वो सीज कर सकते थे, कि कोई भी प्रॉपर्टी वो उस पर कब्जा जमा सकते थे जो पब्लिश कर रही है, विच पब्लिश द ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लाइक इंसाइटमेंट टू मर्डर और एक्ट ऑफ वायलेंस, है ना। तो कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक ऐसा कुछ पब्लिश कर रही है जैसे कि यहाँ पे जो मर्डर्स जो है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मर्डर्स हो रहे थे, आप देख रहे क्रांतिकारी फेज में, मैंने आपको
बताया था रिवॉल्यूशनरी फेज में, वहां पे जो चीजों को यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं या फिर वो करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पे रोक सकते थे मैजिस्ट्रेट, नहीं किस तरह से तो उनके प्रिंटिंग प्रेस को सीज करके या उनकी प्रॉपर्टी छीन के और जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सब चीजों को यहाँ रोका जाएगा। ये भी यहाँ पे पावर मिल गया था मैजिस्ट्रेट को थ्रू न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। न्यूज़पेपर्स वर अलाउड टू अपील इन हाई कोर्ट विद इन 15 डेज, और ये जो न्यूज़पेपर है जिनके खिलाफ ये चीजें होती थी वहां पे जो मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया वो फाइनल नहीं होगा तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, बट 15 दिन के अंडर आपको यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा अपील में अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ और आपको वो जो डिसीजन मैजिस्ट्रेट ने सुना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ऐसा ये न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में, जो कि एक बहुत ही फेमस एक एक्ट यहाँ पे एक और माना जाता है न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908। सो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। सो 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट जो था इसने लोकल गवर्नमेंट जो थी हमारे जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी उनको ये पावर दे दिया गया था कि वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मांगेगी अगर आपका, फॉर एग्जांपल मेरा कोई पब्लिकेशन है, मुझे कुछ पब्लिश करना है या मुझे कोई प्रिंट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि 500 से 5000 रुपये तक का रहेगा, और अगर जिसको गवर्नमेंट रोकती है ऐसा कोई भी एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, जो गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कोई भी ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ अगर मैं प्रिंट करता हूँ या पब्लिश करता हूँ सो मेरा ये जो डिपॉजिट है ये वो छीन सकती है गवर्नमेंट, यानी ये डिपॉजिट मैं खो दूंगा, कुड बी फोरफिटेड, तो ये खो दूंगा मैं 500 से 5000 रुपये का। उसके साथ साथ इट्स रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड ओइंग टू द प्रिंटिंग, है ना, तो आपका जो प्रिंटिंग करने का जो आपके पास रजिस्ट्रेशन था वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को आप प्रिंट करते हैं। तो सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल चुकी है कि ये इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के थ्रू हमारे प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाले जाने लगे, क्योंकि ये चीज़ों से अवेयरनेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स शुरू हो चुकी थी, नेशनल मूवमेंट्स। उसके बाद जो आया वो एक कमिटी बिठाई गई जिसको कहा जाता है प्रेस कमिटी 1921 की। जो प्रेस कमिटी बनाई गई थी 1921 के, उसमें ये जो कमिटी थी प्रेस कमिटी जिसके चेयरमैन तेज बहादुर सप्रू थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें चली, हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ें उठाई, उसके बाद गवर्नमेंट ने कमिटी बना के दी थी। ठीक है भाई साहब, आप सोचिए आप क्या चाहते हैं रिकमेंडेशन, आप कब शांत होगे। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेस एक्ट है 1908 का और 1910 का, ये जो आपको दिख रहा है 1910 और 1908, इन दोनों को रिपील कर दो। सो गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर दिया, इन एक्ट को गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। यही कमिटी थी प्रेस कमिटी, इसका इतना ही महत्व है प्रेस कमिटी 1921 के, इनके रिकमेंडेशन जो थे जिसके चेयरमैन थे खुद तेज बहादुर सप्रू। सो ये एक और आपको कमिटी पता चली है जिसको कहा जाता है प्रेस कमिटी ऑफ ईयर 1921। सो अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट ऑफ ईयर 1931, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, एक और वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसा इंपॉर्टेंट है वैसा ही द इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1931 का ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ईयर देख रहे हैं जो कि है 1931। ये जो 1931 ईयर है यहाँ पे आपको पता है 1931 में क्या हुआ, 31 के वक्त क्या चल रहा था, 30s के टाइम पे क्या चल रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 30s का जो टाइम था, यानी आप देख रहे 29, 30, 31, ये टाइम पे बहुत जोर से CDM यानी बहुत ही एक पेस में बहुत इफेक्टिवली हमारे इंडिया में मास मूवमेंट्स चल रही थी। अब तक तो कांग्रेस का गोल भी चेंज हो चुका था, अब कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज हो चुका था। गांधी जी ने इस टाइम पे एक मूवमेंट भी लॉन्च कर दी थी जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, जो एक बहुत इफेक्टिव मास मूवमेंट दिख रही थी, जिसके चलते ब्रिटिश जो है ये डर चुके थे, गवर्नमेंट जो है ये डर चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मासेस इसमें शामिल हो चुके थे। ये सब डर को हटाने के लिए, ये गांधीयन मूवमेंट जो चल रही थी इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इश्यू करना शुरू किया 1930 में। जब 1930 में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किए तो उसके थ्रू जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको ये पावर दे दी गई कि वो जो प्रेस है उसको सप्रेस कर सकता है, यानी प्रेस के ऊपर वो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रेस जो है उसको ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसके ऊपर प्रोहिबिट कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है, जो कि पावर इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा थी सप्रेशन ऑफ प्रेस को लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी, क्योंकि किसी भी मूवमेंट में प्रेस का महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रेस जो है ये लोगों को और अवेयर कर रही थी और वो मूवमेंट का इफेक्टिव जो है वो बढ़ाते जा रही थी। सो इसी चीज के चलते गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया। अगर आप देखते हैं तो 1932 की बात है,
कि जो प्रोविजन थे इस एक्ट के उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया और एम्पलीफाई कर दिया गया, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया और इसको एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ही बना दिया इन्होंने। यानी अगर आप ऐसा कोई चीज करते हो जो प्रेस में कोई गलत चीजें पब्लिश करते हो या प्रेस में कोई गलत चीजें प्रिंट कराते हो, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ करते हो यहाँ पे, तो वो उसको आप क्रिमिनल ऑफेंस बना देगी गवर्नमेंट, आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी, इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस बना दिए उसको। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ये शुरू होता है 1939 में। अच्छे से आपको ये तो पता ही है बातें, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्ट है ये 1931 में ही आ चुका था। इस एक्ट के चलते वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्री सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी आपको कोई भी मटेरियल प्रिंट करने के पहले सब चीजें जांची जाएगी, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही आप प्रिंट करा सकते हो या अदरवाइज आप नहीं करा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिससे लोगों का और अवेयरनेस बढ़े। हम देखते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट भी क्लियर कर दिया था और इस वक्त हमारी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे कि हमारा सपोर्ट है या नहीं ये चीजों पे। तो ये चीजों पे लोगों में अवेयरनेस ना बढ़े इस चीज के लिए प्री सेंसरशिप भी लगा दी गई और यहां पे ये अमेंडमेंट कर दिया गया था, ये जो प्रेस एक्ट था 1931 का, इसमें। सो ये एक्ट में यहां पे कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया था, इसमें प्री सेंसरशिप लगा दी गई थी। सो ये होता है। और ये भी बताओ कि यही एक्ट था जिसके चलते मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया कांग्रेस को इलीगल पार्टी करके डिक्लेयर भी कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसी एक्ट के अंडर ये सब किया गया था कि कांग्रेस जो भी काम करती है, कांग्रेस ये पार्टी खुद ही इलीगल इसको बना दिया गया था। कांग्रेस अभी कुछ भी एक्शन लेगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे क्योंकि ये पार्टी अभी इलीगल हो चुकी है, इस तरह से भी यहाँ पे चीजें हुई थी। सो इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1931 का, ये बहुत महत्व रखता है, जिसने कहीं ना कहीं हमारे नेशनल जो मूवमेंट चल रही थी इसको रोकने की कोशिश की थी। सो ये भी आपको पता चल चुका है, इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ ईयर 1931। उसके बाद जो अगला एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईयर 1942। सो 1942 का प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट आया था एक, तो ये क्या था हम अभी पढ़ने वाले 1942। देख रहे हैं आप कि इस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर शुरू ही था, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मीडिया को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन है जर्नलिस्ट का वो करना कंपलसरी कर दिया कि कोई भी जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, अगर आपको जर्नलिस्ट का काम करना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम पूरी चीजें देखेंगे और आपको तभी अलाउ करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो ये सब चीजें गवर्नमेंट कर रही थी। यानी अगर आप ये देखोगे तो मैसेजेस रिगार्डिंग सिविल डिस्टरबेंसेस एंड न्यूज रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ सैबोटेज ओवर रेस्ट्रिक्ट। सो ये जो सैबोटेज मैंने बोला या फिर इसको सैबोटाज भी कहा जाता है, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, बट आपको वो याद रखना होगा जो आप एग्जाम में लिख सके अच्छे से इसका स्पेलिंग याद रख के, इसको सैबोटाज भी कहा जाता है। तो ये सैबोटाज जो है ये क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है तोड़फोड़ करना। तो ये जो है ये इधर उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप कुछ न्यूज़ दिखा रहे हो, यहाँ पे ये तोड़फोड़ हुआ या फिर ये सिविल डिस्टर्बेंस यहाँ हो गया जिसके कारण लोगों को और प्रेरणा मिल रही है और इंस्पिरेशन मिल रहा है और लोग जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आप नहीं पहुँचा सकते थे। ये सब यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे कि आपको सिविल डिस्टर्बेंसेस के लिए या फिर सैबोटाज के लिए। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट 1942 ने ये काम कर दिया। और देर were limitation on headlines and space given to the news on disturbances. Okay, so यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि headline क्या बनेगी इसके ऊपर भी limitation डाले गए थे। कोई भी चीज़ आप headline, आप देखते हो कि headline के चलते ही आपको पूरी खबर क्या है ये कभी कभी काफी आधा नॉलेज तो ऐसे ही पता चल जाता है हेडलाइन से, या फिर हेडलाइन ज्यादा स्ट्रांग रही तो आपको और ज्यादा मजा आता है पढ़ने में और आपको और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहाँ हेडलाइन कैसी बनेगी इस पर भी limitations डाल दिए गए न्यूज की हेडलाइन। उसके साथ साथ जो डिस्टर्बेंसेस है ये आप कुछ मात्रा में पब्लिश कर सकते, तो यहाँ कुछ स्पेस दिया गया था टू न्यूज ऑन डिस्टर्बेंसेस, जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे लोगों के वो। गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी ऑन आर्बिट्री सेंसरशिप, है ना, तो गवर्नमेंट मन मानी अपने जो भी मन चाही यहाँ पे सेंसरशिप आप पे लगा सकती थी। ये गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दे दी थी प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट 1942 ने। जिस तरह की सेंसरशिप गवर्नमेंट लगाना चाहे वैसी सेंसरशिप गवर्नमेंट यहाँ पे लगा देगी, है ना, तो आपको कैसे भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था ये गवर्नमेंट सोचेगी। ये सब चीजें यहाँ पे हो गई थी इस प्रेस रेगुलेटिंग 1942 के चलते। ओके, तो ये रहा आपका प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईयर 1942। उसके बाद हम पढ़ने वाले प्रेस इंक्वायरी कमिटी ऑफ ईयर 1947। तो प्रेस इंक्वायरी कमिटी क्या है ये देख लेते हैं। तो ये इंक्वायरी करने के लिए होगी, अब नाम ही है इंक्वायरी, तो ये क्यों बनाई गई थी, टू एग्जामिन द प्रेस लॉ। जो भी प्रेस लॉ बन रहे हैं वो सबको
आपको यहाँ पे देखिए 1947 का टाइम है, हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम है, यहाँ अगर हम देख रहे तो 1947 हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त ये आया था, ताकि जो प्रेस लॉ है वो किस तरह से है, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देने वाली है, तो वो सब चीज़ों के चलते ये है या नहीं, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि फंडामेंटल राइट मिले, तो आपको पता है कि प्रेस वाला जो है फंडामेंटल राइट है ही। सो ये सब चीज़ों के लिए एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जो अब तक गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए ब्रिटिश ने, कौन से लॉ होने चाहिए और कौन से नहीं रहने चाहिए, उस लॉज में क्या चेंजेस आने चाहिए क्या नहीं। सो इस इंक्वायरी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो इंडियन इमरजेंसी एक्ट है, पावर एक्ट है 1931 का, और इसमें जितने भी अमेंडमेंट किए गए, जितने भी पुराने अमेंडमेंट किए गए, वो पूरे के पूरे रिपील कर दो, ये एक्ट हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम प्रेस को फ्रीडम देंगे, और ये चीजें इस प्रेस इंक्वायरी एक्ट कमिटी ने 1947 में कही थी, और फंडामेंटल राइट ही यहां पे देना है या नहीं ये चीजें सोचना था हमको, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया या फिर आपका प्रेस हो गया, ये सब चीजों को। तो यहां प्रेस इंक्वायरी कमिटी 1947 में बनाई गई थी, हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त का ये टाइम है, इंडिपेंडेंस वाला टाइम, तो इंडिपेंडेंस के बाद वाले टाइम में ये सब आता है, प्रेस इंक्वायरी कमिटी 1947 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चलते ये बनाई गई थी। सो ये सब चीजें यहां पे होती है, और 1947 तक के ये पूरे एक्ट हमने अभी स्टडी किए हैं। सो मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट बता देता हूं, हमने जो जो एक्ट स्टडी किए उनकी, हमने यहां पे सबसे पहले स्टडी किया था द सेंसरशिप एक्ट 1799, अच्छे से याद रखिएगा, आपने जो नोट्स लिखे उसमें अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, अभी मैं सब बता रहा हूं आपको। उसके बाद हमने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 का स्टडी किया, उसके बाद हमने प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या जिसको मेटकाल्फ एक्ट कहा जाता है ये स्टडी किया, उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आता है, एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 ने स्टडी किया, उसके बाद हमने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का स्टडी किया, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टडी किया था न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908, जिसके बाद हमने स्टडी किया इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, उसके बाद प्रेस कमिटी 1921 की, उसके बाद द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, आफ्टर दैट प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट 1942, और आखिरी में हमने स्टडी किया प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने स्टडी की। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और वो ये है कि ऐसे कौन से वाइसरॉय या फिर हम जिनको कहते हैं गवर्नर जनरल, ये रहे हैं जो फेवर में रहे सेंसरशिप के, और किसने फ्रीडम ऑफ प्रेस देने की हमको कोशिश की। अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन फेवर में थे सेंसरशिप के, कौन हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते थे प्रेस के ऊपर, और कौन फ्रीडम ऑफ प्रेस देना चाहते थे, ऐसे कौन लोग थे। तो सबसे पहले वेलेस्ले जो थे, हम देख रहे हैं कि कौन सेंसरशिप या कौन रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते थे हमारे ऊपर, तो वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड एल्फिंस्टन, सर मुनरो, ये सब लोग सेंसरशिप के फेवर में थे, सेंसरशिप को सपोर्ट करते थे, रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए इसको सपोर्ट करते थे। कौन लोग थे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करते थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकाल्फ, मैकॉले एंड रिपन। ये जो चार लोग हैं, ये कभी ना कभी हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही सपोर्ट करते थे, ये दिख जाता है हमें हिस्ट्री में। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये भी मैंने आपको एक नॉलेज दे दिया। अभी मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ जो आपको काम आएगी, तो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, जो जो न्यूज़पेपर इंडिया में है उन सब की लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर के नाम और फाउंडर के नाम यहाँ लिखा गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको मैच द पेयर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए थोड़ा थोड़ा याद, जितना भी याद रहा है उतना बस आपने सुन भी लिया तो बहुत अच्छी बात है। संवाद कौमुदी या फिर मिरत उर अखबार, ये न्यूज़पेपर थे राजा राम मोहन रॉय के। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में आता है, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का था। द हिंदू, इसके फाउंडर थे जीएस अय्यर और वीर राघवाचार्यर, 1878 में आता है द हिंदू। केसरी और मराठा जो ये 1881 में आता है, और इसके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद स्वदेश मित्रम करके न्यूज़पेपर था, जिसके फाउंडर थे जीएस अय्यर। वंदे मातरम न्यूज़पेपर के फाउंडर अरविंदो घोष। सुधारक के फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले। रस्त गोफ्तार करके न्यूज़पेपर था, फर्स्ट इन गुजराती लैंग्वेज बनाया गया था 1851 में, जिसके फाउंडर थे दादाभाई नौरोजी। न्यू इंडिया एक वीकली था, साप्ताहिक था, जिसके फाउंडर थे बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया एक और था, ये डेली था, ये वीकली था और ये डेली था, ये रोज का अखबार था। और कॉमनवेल्थ, ये दो जो थे इसके फाउंडर थी एनी बेसेंट। उसके बाद युगांतर जो है इसके फाउंडर थे, 1906 में युगांतर था, सो भूपेंद्रनाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में आया था, और इसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता। हिंदुस्तान फाउंडर जो है वो थे मदन मोहन मालवीय। मुक नायक, इसके फाउंडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट,
मोतीलाल नेहरू फाउंडर थे, पंजाबी न्यूज़पेपर इसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे, इंडियन मिरर इसके फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन इसके फाउंडर महात्मा गांधी थे, नेशनल हेराल्ड करके जो है 1938 में आया था, जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर थे। उसके बाद प्रबुद्ध भारत जो था या फिर उद्बोधवा उसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। सो ये भी लिस्ट है जो मैच द पेयर में आपको पूछे जा सकते हैं या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, तो आप ये अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और आपको आज मैंने पूरा ही प्रेस का नॉलेज दे दिया है, मैंने कोई भी टॉपिक इसमें से छोड़ा नहीं है आपका। सो आज के टॉपिक से आपको मैंने जितने लेक्चर में चीज़ें बताई उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। उसके बाद हम अभी देख लेते हैं एमसीक्यू जो हमें सॉल्व करना है वो कौन से थे। तो इस बार मेक एमसीक्यू चैलेंज कंप्लीट किया था पूजा जी ने, स्नेहल जी ने, विनीता जी, प्रियंका जी और अंकित कुमार जी ने। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेक एमसीक्यू चैलेंज एक मेरा इनिशिएटिव है खुद का, जिसके थ्रू मैंने आपको ये चैलेंज दिया हुआ है कि आप एक एमसीक्यू पोस्ट करोगे जो भी आपका टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आज आपका जो प्रेस का टॉपिक चल रहा है, कल का लेक्चर आने के पहले आपको ये आपके इससे रिलेटेड एमसीक्यू पोस्ट करना है, उसके साथ आपका नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं अगले दिन आने वाले लेक्चर में आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन पब्लिश करूंगा। ये आपके तरफ से एक हेल्प होगी सभी लोगों को, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी आपके तरफ से, और आप लोग जो एमसीक्यू बना रहे हो वो एमसीक्यू सॉल्व करोगे बहुत इफेक्टिवली, ये मैं आपको ये गारंटी देता हूं। तो अच्छे से आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मेरा मोटिव है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में एक्सपर्ट बनाओ। सो आइए आज देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो जो क्वेश्चन रहने वाले आज के वो रहने वाले लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इस टॉपिक से। जिन लोगों ने इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो उसे देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, ताकि आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए एमसीक्यू की। आज काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सेंड किया है प्रियंका सहाय जी ने। सो प्रियंका जी ने क्वेश्चन भेजा है, मैच द फॉलोइंग, जमींदारी सिस्टम 51%, रियोतवारी सिस्टम 66%, महालवारी सिस्टम 19%, A A3B1C2 B A3B2C1 C A1B3C2 D A2B3C1। आपको करेक्ट मैच इसमें से आपको चूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। अगला एक और क्वेश्चन प्रियंका जी ने भेजा हुआ है, वॉट पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ रेवेन्यू वुड बी टेकन बाई गवर्नमेंट इन जमींदारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम, 10th, 11th, 75% to 50%, 1/11th, 25% to 75%, 10/11th, 50% to 75%, 10/11th, 50% to 50%। सो ये आपको ये याद रखना है, ये करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। एक और अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। अगला क्वेश्चन प्रियंका जी ने जो भेजा है वो है, To introduce to the concept of average rain for different soil classes in Mahalwari system, this system was agreed upon for dash years, 20 to 30 years, 30 years, 10 years or 20 years. बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। प्रियंका सहाय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे एमसीक्यू पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा जी ने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू जमींदारी सिस्टम, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड मद्रास, इट कंप्राइजेस 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ऑप्शन आर ए बी एंड सी, बी सी एंड डी, ओनली बी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा हुआ है, रियोतवारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1792 बाय कॉर्नवालिस, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो और पेंटिक। एक और अच्छा क्वेश्चन आपने भेजा पूजा जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा हुआ है, assertion, महालवारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम, रीजन, द विलेज हेड मैन बिकेम वर्चुअली अ जमींदार, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर फॉल्स, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए इतने अच्छे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें विनीता जी ने भेजा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महालवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट provinces, part of central India and Punjab, the revenue settlement under this system was done with landlords and or heads of families who collectively claimed to be landlords of the villages or the estate,
2003, under this system, the revenue was determined on permanent basis. Which of the statement given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी. विनीता जी ने एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है. With reference to Rayatwari system settlement, consider the following statements. The rent was paid directly by the peasants to the government. The government gave pattas to the Rayats. The land were surveyed and assessed before being taxed. Which of the following given above is or are correct? Only one, one and two, one, two and three, none of the above. बहुत अच्छा question विनीता जी. विनीता जी ने एक और question भेजा हुआ है. The tendency for increased litigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? Making zamindar's position strong vis-a-vis the Rayat, making East India Company and overload of zamindars, making judicial system or more efficient, none of A, B and C above. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे MCQs पोस्ट किए. उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें अंकित कुमार जी ने भेजा हुआ है. सेट आउट द, और उन्होंने पूछा है, सेट आउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कंटेक्स्ट ऑफ ईयर. महालवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम. ऑप्शंस आर 3-2-1, 2-3-1, 1-2-3 और 2-1-3. बहुत अच्छा क्वेश्चन अंकित जी. अंकित जी ने एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है. विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. रेवतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम या GST. ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉमेडी है, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन भेजा अंकित जी. अंकित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस भेजे. उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल जी ने. स्नेहल जी ने पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महालवारी सिस्टम इज करेक्ट. अंडर द महालवारी सिस्टम देयर वेर एन मिडल मैन फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. विलेज सिस्टम वॉज बेस्ड on collection of individual land revenue demand from owners. This system had highest revenue demand among all system prevalent in India. Mahalwari system created land holdings under cultivating class. बहुत अच्छा question Snehal ji. एक और question Snehal ji ने भेजा हुआ है. Which of the following was not one of the important results of British land revenue system? Creation of a class of landlords. It suddenly gave boost to agricultural production. Cultivators got security rights. It deprived the traditional landed class of its control over land. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी. स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन हमें भेजा है, जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा. तो स्नेहल जी ने भेजा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम. The Rayatwari system introduced by East India Company into South India at the end of 19th century. Both A and B, none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी. स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें इतने अच्छे MCQs पोस्ट किए. सो आप सब लोगों का मैं एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. पूजा जी, स्नेहल जी, विनीता जी और प्रियंका और अंकित जी, जो आपने हमें इतने अच्छे MCQs भेजे और हमारी MCQ की प्रैक्टिस करा के लिए. उसके साथ साथ अब आपका ये लेक्चर जो था डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ये खत्म हो गया है. और ये आपका मेंस का जो क्वेश्चन है, ये अभी आप लिख सकते हो, ये मुझे पता है. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मेरे पेजेस जो है श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन, इन्हें जरूर फॉलो और लाइक करें. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. श्रेयस बड़े@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहे. और आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, खुद को फिट रखें, खुद को हेल्दी रखें. इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़िए आपके साथ आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा. तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो.